एक बूढ़ी खातून को इसकी बहू और बेटे ने जुल्म की इंतहा पार करते हुए बेघर कर दिया था। ऐसे में इस खातून को सहारा देने के लिए चिकबल्लापुर जिले के कोटागिरी तालखा की तहसीलदार नाहिदा जमजम ने अहम किरदार अदा किया है। तालखा की कामनहली ग्राम पंचायत की हदूद में आने वाले एक देहात की साकिन रंगा हनुमक्का के बेटे और बहू ने इन्हीं घर से बाहर निकाल दिया था और घर को ताला लगाकर बेंगलुरु का रुख किया था। इससे कबल बेटे और बहू ने इन पर कई तरह के जुल्म ढाए थे, जिनमें उन्हें भूखा रखना, इनके साथ मारपीट करना और इनके साथ रोजाना झगड़ा करना आम बात हो चुकी थी। मुकामी लोग इस बात से निहायत परेशान थे। बिलाखिर रंगा हनुमक्का ने इस ताल्लुक से तालखा इंतजामिया को रुजू किया, जिसके बाद तहसीलदार नाहिदा जमजम ने इस बुजुर्ग खातून की मदद करने के लिए फौरन इस इलाके का रुख किया और बुजुर्ग खातून के घर का ताला तोड़कर उन्हें वहां रहने के लिए सहूलत फराहम की। तहसीलदार नाहिदा जमजम की इस फौरी कार्रवाई पर मुकामी लोगों ने खूब सराहा है, जबकि खातून रंगा हनुमक्का इस इमदाद पर जारो खतार रोती हुई इन्हीं दुआएं देती हुई वीडियो में दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, चिकबल्लापुर।